नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आप लोगों के सामने फिर हाजिर हूं लेके एक नया वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि सोलर वाटर हीटर में जो इमर्शन रॉड होता है, अगर इन केस वो ख़राब है तो उसको चेक कैसे किया जाए और देन उसको रिप्लेस कैसे किया जाए। तो अंदाज देख लो, फोटो खींच लो या देख के आओ, नहीं तो आखिर तो फिर कोई ना जुगाड़ करना पड़ेगा खोलने के लिए। लो तो ये है हमारा सोलर वाटर हीटर प्लांट। जैसा कि अभी हमने वाटर टैंक को खोला है और यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि ये पानी की शॉर्ट सर्किट की वजह से जला हुआ है। देखिए, इसमें आप पानी की ड्रॉपलेट्स देख सकते हैं जिसकी वजह से ये शॉर्ट सर्किट हुआ है और ये इमल्शन रॉड जल चुका है, जिसको अब हम रिप्लेस करेंगे नए के साथ। और ये मेक श्योर करेंगे कि नेक्स्ट टाइम अब इसमें पानी घुसने का कोई चांस ना बने, ताकि ये शॉर्ट सर्किट का शिकार ना हो। तो आइए देखते हैं कैसे हम इसको रिप्लेस करते हैं। इमल्शन रॉड निकालने के बाद में ये उसकी कंडीशन देख लीजिए, कितने अच्छे से रखी गई है। इसके साथ में ये जबरदस्ती का ऐड किया गया था, अब इसको रिप्लेस करके दूसरा लगाया गया है। अब इसकी फिटिंग करते हैं और फिर देखते हैं चला के चलता है कि नहीं।